few students were absent and we have done the important part, corollary 2 and corollary 3. जो absent थे, I already sent you PDF. मैंने PDF भेजा था. Have you noted down everything? And gone through it? क्या था? क्या पढ़ाया last time? उसी part को आज हम complete करेंगे, so that we are completing the first module then. Okay? चलो share the screen. 48 students. Do you remember क्या थी corollary number 2? हाँ, स्क्रीन इज विजिबल. स्क्रीन इज विजिबल. यस यस मैम. ओके यस मैम. सो आई विल जस्ट रिपीट व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, क्योंकि कॉरोलरी 2 एंड 3 इज रिगार्डिंग नॉन होमोजीनियस फंक्शन. दिया हुआ फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है ना, एंड देन हम उसको होमोजीनियस बनाते हैं. दोज हु वेयर अब्सेंट, सी हियर प्रॉपरली. जेड सी, दिस इज द कॉरोलरी 2. इफ जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई एंड जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, मीन्स जेड होमोजीनियस फंक्शन है बट गिवन जेड नहीं रहता है. जेड इज इक्वल टू वॉट? एफ ऑफ यू मीन्स यू गिवन है एक्स. इसलिए रिजल्ट एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो जेड इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू. जो यू दिया रहता है वो होमोजीनियस नहीं रहता है. होमोजीनियस नहीं रहता है मीन्स डिग्री डिफाइन नहीं होती है. एंड देन वी आर कन्वर्टिंग इट इन टू वॉट? होमोजीनियस फंक्शन. सो वी आर कन्वर्टिंग इट इन टू वॉट? होमोजीनियस फंक्शन. तो एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू. एंड कॉरोलरी 3 क्या थी? सेम स्टेटमेंट, सिर्फ सेकंड ऑर्डर में रिजल्ट है. एक्स स्क्वायर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई. ओके, प्लस वाई स्क्वेयर डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेयर जी ऑफ यू जी डैश यू माइनस वन. जी ऑफ यू की वैल्यू क्या थी? एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू. तो दिस वे हमने कॉरोलरी 2 एंड कॉरोलरी 3 की थी लास्ट टाइम, और उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स. एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई हैव एक्सटेंडेड इन दिस लेक्चर. अदरवाइज ये लास्ट टाइम में हम और लेके खत्म कर सकते थे. लास्ट टाइम वी आर कंडक्टेड 1.5 आवर. If we are taking the lecture on Saturday, you should be present in the lecture. आपको क्या काम रहता है Saturday को? Near about 15 students were absent. ये important part आपने miss किया है. Okay, ये example सब हमारे हो गए थे. कौन से example में थे हम? उसे का भी log का हो गया था ना? इस पे थे, है ना? टैन इनवर्स ये करना था हमें. यस एवरीवन, दो यस यस मैम. सो टुडे विल सॉल्व टैन इनवर्स ऑफ दिस. एक्चुअली ये मैंने भेज दिया है बट स्टिल विल सॉल्व सो दैट अदर स्टूडेंट्स आल्सो अंडरस्टूड हाउ वी हैव टू यूज दिस कॉरोलरी 3. जो नहीं थे आप अभी रीड करो, कुछ डाउट है तो आपको पूछना है. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट विद दिस? यू इज इक्वल टू, राइट डाउन दिस एग्जांपल. एक्चुअली आपने लिखा भी होगा, if u is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, prove that second order में question है तो कौन सी corollary use करनी है? Second order में question है तो corollary number three. Either first or third, है ना? Either first or third. आपको पता है जब first order में question रहता है, first order means x do u by do x plus y do u by do y, इसमें question रहता है तब आइदर यूलर्स थ्योरम और कॉरोलरी कौन सी आएगी? कॉरोलरी नंबर 2. यह सब हम ये एग्जांपल के बाद लिखने वाले. जब सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन रहता है तो आइदर कॉरोलरी 1 और कॉरोलरी 3. बट
कॉरोलरी वन यूज करनी है या थ्री यूज करनी है किसके ऊपर डिपेंड है, दिए हुए फंक्शन पे। आपको जो दिया है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस, इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। बिकॉज इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है ना। ये देखो डिग्री कैसे करते हैं, अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यू इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन डायरेक्टली लिखा है मैंने, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। बट वाई, लेट्स सी u की वैल्यू क्या है। tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन u इज व्हाट, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, वहां पे मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इतने एग्जांपल्स करने के बाद सबको ये समझ में आ रहा है, बट स्टिल आई एम शोइंग यू व्हाई इट इज अ नॉन होमोजेनियस। आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। सो x माइनस वाई, फिर से देखो एवरी एग्जाम्पल में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी पुट करके आपको इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। अभी इसको आप एक्स इज इक्वल टू एक्स टी पुट कर दो, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को रिप्लेस करो एक्स टी से, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब टी क्यूब वाई क्यूब टी क्यूब अपॉन एक्स टी माइनस वाई टी। ओके, एक्स टी माइनस वाई टी ये हो जाएगा, क्लियर। ओके, फिर यहां से हम टी कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर से टी क्यूब आएगा कॉमन, डिनोमिनेटर से क्या आएगा टी आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आएगा, क्लियर। ओके, टी कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, एक ही टी कैंसिल होता है, और टैन इनवर्स के साइड में आपको मिलता है टी स्क्वेयर, ऐसे आ रहा है tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर इनटू दिस ब्रैकेट एज इट इज। अब ये t स्क्वायर मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ क्या, नहीं है ना, मींस ये नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका, नॉन होमोजीनियस, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू t, इस फॉर्म में नहीं आया, नॉट इक्वल टू t रेस टू n u के फॉर्म में नहीं आया, एंड दैट्स व्हाई फंक्शन क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। एवरीवन गॉट दिस, एनी डाउट हियर, everyone got this? yes ma'am, आया, इसलिए वहां पे मैंने लिख के दिया है कि this is non-homogeneous function, clear? okay? हमने क्या किया, फिर से देखो x को xt से y को yt से replace किया, t cube upon t cancel नहीं हो रहा, ये पूरा cancel हो जाता तो degree zero, ये homogeneous आ जाता है ना, ये x cube minus y cube रहता है denominator में, तो but t square आया, ये t square को आप starting में नहीं लेके आ सकते हो इधर, इसलिए ये नॉट इक्वल टू टी रेस टू एन हो गया, एंड देयरफॉर दिस इज अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अब ये नॉन होमोजीनियस को हमें क्या करना है, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया था, लेट ये जो u इज इक्वल टू टैन इनवर्स है इसको मैं टैन u इज इक्वल टू लिख सकती हूँ, टैन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन, लिख सकते हैं क्या सेम फंक्शन को ऐसे, कैन आई राइट लाइक दिस, और हमने ऐसे भी लिख के दिखाया, u इज इक्वल टू लेट u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ z, z की वैल्यू क्या थी, z में दिस ब्रैकेट है ना, आइदर यू रिप्रेजेंट लाइक दिस और लाइक दिस, वन एंड द सेम, जो दिया हुआ फंक्शन है u is equal to, जो भी algebraic term है उसको z लिख दो, so can I write z is equal to tan u then, z is equal to tan u, तो either ऐसे लिखो directly या वैसे लिखो same है, let z is equal to tan u is equal to this bracket as it is x cube plus y cube upon x minus y, ये समझ में आया था ये step सबको, clear this, तो अभी मुझे बताओ z की value क्या हो गई, Z की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, व्हाट इज Z, tan u means what, f of u है ना, z की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज अगर मैं बोल रही थी लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स z, बट आपकी यू की वैल्यू क्या थी, व्हाट इज यू,
ये देखो u दिया है आपको, u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज योर u है ना, ये u की वैल्यू है tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। अगर इसको मैं z से रिप्रेजेंट कर दूंगी तो ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ z, तो z इज इक्वल टू व्हाट, tan u नथिंग बट व्हाट, f ऑफ u। इसलिए z की वैल्यू क्या हो गई, ओके z की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। क्लियर, तो यही हमने पीडीएफ में लिखा है, तो वहां पे हमने डिग्री फाइंड आउट नहीं की थी एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने आपको डिग्री फाइंड आउट करके दिखाया है। ये आया था हमारा, अच्छा किया है, ओके सॉरी। अभी जेड की वैल्यू क्या हो गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अभी जेड की डिग्री फाइंड आउट करनी है, ओके जेड की डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को एक्स टी से, वाई को वाई टी से फिर से रिप्लेस किया, टी क्यूब अपॉन टी, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मीन्स जेड की डिग्री क्या हो गई, टू। याद है ना, किया था क्या सॉल्व आपने, इज इट एनी प्रॉब्लम हियर। अभी हमने u को z में कन्वर्ट कर दिया, z इज tan u नथिंग बट f ऑफ u, ये सब हुआ है हमारा उस दिन। फिर हमने क्या कहा, z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन ऑलवेज होमोजीनियस आता ही है, वेयर z इज व्हाट, f ऑफ u। अगर हम z इज होमोजीनियस बोल रहे तो u होमोजीनियस हो गया बिकॉज z इज रिप्रेजेंटिंग f ऑफ u। तो फिर हमने कॉरोलरी 3 से रिजल्ट लिख दिया, एक्स स्क्वायर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, जी ऑफ यू जी डैश यू माइनस 1। बट जी, ये कॉरोलरी हो गई 3, बट जी ऑफ यू की, इसके बाद हम विल सॉल्व द एग्जांपल्स, ओके आपको सॉल्व करने हैं, बट जी ऑफ यू क्या था, सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था वही एग्जाम्पल चल रहे। जी ऑफ यू क्या था, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या थी, टेन यू, एफ डैश यू की वैल्यू क्या हो गई, sec square u, tan u means sin u by cos u, sec means 1 by cos square u, है ना, एक cos cancel हो गया, तो आपको मिलता है 2 sin u cos u, आया 2 sin u cos u, एक cos cancel हो के, and you got here 2 sin u cos u is nothing but what, sin 2 u। कैसे किया ये, समझ में आया क्या, ये देखो यहाँ पे आपको मिली थी जेड की वैल्यू, ओके सो जेड क्या था आपका, जेड क्या था आपका एक्स क्यूब, तो एक्स को एक्स टी से रिप्लेस किया, वाई को वाई क्यूब टी क्यूब से रिप्लेस किया, एक्स को एक्स टी, वाई को वाई टी, यहाँ से टी क्यूब कॉमन, यहाँ से टी कॉमन, ब्रैकेट में सेम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ये आया था। फिर हमने क्या किया, इसको टी स्क्वेयर, ये आपका ओरिजिनल जेड हो गया, देयरफॉर आ गया जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, क्या डिफरेंस दिख रहा है कि दिया हुआ फंक्शन यू होमोजीनियस आया था क्या, नहीं, यू को जेड में कन्वर्ट किया, एफ ऑफ यू इज जेड, जेड में कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्टेड फंक्शन होमोजीनियस होता है, कन्वर्टेड फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस, वो हो गया आपका जेड। बट जेड क्या है, बट जेड इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ यू, ये बोल रहे ना, मींस टैन यू, जेड की वैल्यू एफ ऑफ यू है, दैट इज टैन यू, देयरफॉर कॉरोलरी का रिजल्ट क्या है, कॉरोलरी बाय कॉरोलरी नंबर 3 क्या है, वो एक्स स्क्वेयर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड कॉरोलरी की सेम ही है, कॉरोलरी 1 एंड कॉरोलरी 3 की, अगर आप पढ़ रहे हो तो, प्लस वाई स्क्वेयर डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ यू। बट जी ऑफ यू की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है, व्हाट इज जी ऑफ यू, करेक्ट, तो
जी ऑफ यू की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेनी है. एन की वैल्यू क्या थी? डिग्री टू. एफ ऑफ यू मीन्स टैन यू. टैन यू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू. बट ये आंसर नहीं है, है ना? आंसर हमारा कुछ अलग है. ये इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि जी ऑफ यू का फिर से हमें डेरिवेटिव चाहिए. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. टैन यू क्या होता है? साइन. अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, टैन यू होता है साइन यू बाय कॉस यू. न्यूमरेटर में वन बाय सेक स्क्वायर यू मीन्स वन बाय वन वन ये आ गया. वन बाय सेक स्क्वायर यू मीन्स वन बाय कॉस स्क्वायर यू. एक कॉस कैंसल हो जाएगा बिकॉज ये वन बाय है करते, एंड ये वन अपॉन है करके ये जाएगा ऊपर. आता है ना कैंसिल करना? ये ऊपर जाएगा तो टू साइन यू कॉस यू. टू साइन यू कॉस यू किसका फॉर्मूला है? साइन टू यू. साइन टू यू का. तो साइन टू यू क्या हो गया आपका? जी ऑफ यू. एनी डाउट इन जी ऑफ यू? गेटिंग दिस एवरीवन? हमने जी ऑफ यू का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट की. टैन मीन्स साइन बाय कॉस, सेक मीन्स वन बाय कॉस. तो सेक स्क्वायर था तो वन बाय कॉस स्क्वायर. ये है देखो वन अपॉन है करके एक एक कॉस कैंसल. वन अपॉन कॉस स्क्वायर यू. ऐसे नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन टू कॉस स्क्वायर यू. और फिर एक एक कॉस को कैंसिल कर दो. टू साइन यू कॉस यू, साइन टू यू हो गया. अब ये होगी आपकी जी ऑफ यू की वैल्यू, इज इट? ये हो गई आपकी जी ऑफ यू की वैल्यू. मुझे क्या चाहिए? फिर से जी डैश यू भी चाहिए. कैन यू टेल मी जी डैश यू की वैल्यू क्या आएगी? साइन टू कॉस टू यू. टू कॉस टू यू, करेक्ट. टू कॉस टू यू. साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, टू यू का टू. टू कॉस टू यू. अभी इसमें किसमें पुट करेंगे? वो कॉरोलरी के आर एच एस में सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें. सो पुट इन इक्वेशन नंबर वन और फिर जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें जी उसके लिए वैसे कैलकुलेट करो. जी ऑफ यू की वैल्यू थी साइन टू यू. जी डैश यू थी टू कॉस टू यू. टू यू टू कॉस टू यू माइनस वन. आंसर क्या चाहिए आपको? आंसर आंसर किसमें चाहिए? आंसर में वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू है ब्रैकेट में, है ना? आंसर में कॉस है ही नहीं. कॉस टू यू को कैसे रिप्लेस करोगे तो आपको साइन मिलेगा? कौन सा फॉर्मूला कॉस का यूज करोगे आप? वन माइनस साइन स्क्वायर यू. टू साइन स्क्वायर यू ना? यस यस टू साइन स्क्वायर. कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला. कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला. कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूलीज है पता है ना? पहला क्या है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. दूसरा है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड वन इज व्हाट? कॉस टू थीटा माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा. तो हम यूज करेंगे हमारा सेकंड वाला. तो ये टू एज इट इज रखेंगे. ब्रैकेट में लिखना है कॉस टू यू का फॉर्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा. कॉस टू यू इज व्हाट? वन माइनस टू साइन स्क्वायर यू है. ब्रैकेट कंप्लीटेड माइनस वन, तभी ये टू से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर. वन मिनट है, वन मिनट. अभी वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो टू से. साइन टू यू टू इंटू वन टू माइनस टू इंटू टू फोर. अगर आप ऐसे ब्रैकेट नहीं करोगे ना तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट प्रॉपरली करो.
फोर साइन स्क्वेयर यू माइनस वन, करेक्ट। अभी हो गया है टू माइनस वन वन, सो साइन टू यू, टू माइनस वन वन, वन माइनस फोर साइन स्क्वेयर यू, इज इट द आंसर? Is it the answer? Yes. But this yes. answer cos में रहता, bracket में cos चाहिए, तो फिर हम cos 2u को क्या replace करते? Now it depends on answer. Answer जैसे चाहिए वैसे आपको formula use करना पड़ेगा. अगर ये for sin square u की जगह पे cos square u आता तो हम cos 2u का कौन सा formula put करते? 2 cos square u minus 1. Yes, 2 cos square u minus 1. तो जो आंसर चाहिए ना उसके ऊपर डिपेंड है आपको क्या पुट करना है, समझ में आ रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू दैट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूलीज, ओके? तो अभी हमने कॉरोलरी थ्री का यूज करके आपको ये सॉल्व किया है. यू गॉट दोज हु वेर प्रेजेंट लास्ट लेक्चर? सबको समझ में आया कॉरोलरी टू कहाँ पे यूज करनी है, कॉरोलरी थ्री कहाँ पे यूज करनी है? ये सेकंड ऑर्डर का रिजल्ट था इसलिए हमने क्या यूज किया, कॉरोलरी थ्री. अगर यही लेफ्ट हैंड साइड, हाँ सीयर, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी रहती एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, यहाँ पे तो हम क्या यूज करते हैं, कॉरोलरी नंबर टू, ओके? अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी कॉरोलरी कैसे यूज कर रही है. एक्चुअली ऑल द एग्जाम्पल्स वी सॉल्व. अभी यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, आई एम गोइंग टू राइट कि सी, पहले हमने देखा जेड फंक्शन, ठीक है, जेड जेड में कौन कौन से दो टाइप थे, एवरी वन इज गोइंग टू नोट डाउन दिस, होमोजीनियस, ओके, एंड सेकेंड टाइप था जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, ओके, अदरवाइज डोंट राइट दिस, विल राइट इन सेंटेंसेस. ये एक टाइप दिया. अगर दिया हुआ फंक्शन डायरेक्ट होमोजीनियस है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग फंक्शन इनटू होमोजीनियस. सेकंड टाइप में हम क्या कर रहे हैं, और आई कैन राइट सेकंड टाइप में गिवन फंक्शन नॉन होमोजीनियस, ओके. जेड की जगह पे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एक टाइप हमने किया डायरेक्ट होमोजीनियस आता है, एक टाइप हमने किया नॉन होमोजीनियस था, गिवन फंक्शन नॉन होमोजीनियस, क्लियर, ओके. अगर गिवन फंक्शन होमोजीनियस है तो हम क्या यूज करेंगे, यस एनीवन? एंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर में है, यूलर्स थ्योरम, करेक्ट, होमोजीनियस फंक्शन, एंड हियर आई एम राइटिंग क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर फर्स्ट ऑर्डर में है, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है. सो इफ द गिवन क्वेश्चन इज इन फर्स्ट ऑर्डर then we use Euler's theorem, correct, and given question is in second order, तो हम क्या use करेंगे, yes, corollary one, ठीक है, everyone got this, so first bifurcation is what, given function, okay, given function is homogeneous. And function is homogeneous, then, and if the question is asked, ये देखो यहाँ पे लिखा है, आप भी ये note down करो, given function is homogeneous, okay, question is in first order, then use Euler's theorem, ठीक है, question is in second order, use corollary one, ये हो गया homogeneous के बारे में. अभी same thing हमें non homogeneous के लिए लिखना है, ये देखो, गिवन फंक्शन इज नॉन होमोजीनियस मीन्स वी आर कन्वर्टिंग, सो सेकंड स्टेप इसकी क्या आएगी, कन्वर्ट इंटू होमोजीनियस,
किया था ना कन्वर्शन, कैसे किया था, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू करके. सो कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस ये आएगी आपकी फर्स्ट स्टेप, और फिर हम इसको क्वेश्चन में बायफर्गेट करेंगे. क्वेश्चन यहीं पे लिखती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर्स, ठीक है, क्वेश्चन इज इन सेकंड ऑर्डर, ठीक है. सो क्वेश्चन इज इन फर्स्ट ऑर्डर एंड क्वेश्चन इज इन सेकंड ऑर्डर. ये देखो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या यूज करेंगे, यस एनीवन? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या कॉरोलरी टू, कॉरोलरी टू. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज कॉरोलरी टू, और यहाँ पे यूज कॉरोलरी थ्री. यस करेक्ट दिस, एवरीवन गॉट दिस? सो यू आल्सो राइट डाउन दिस प्रॉपरली. यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है लिखो, गिवन फंक्शन, यहाँ पे दो एरोज दिखाओ, दो एरोज दिखाओ, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस. पहले होमोजीनियस का लिख लो, होमोजीनियस में क्या देखना है, क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इन फर्स्ट ऑर्डर यूज यूलर्स थ्योरम, क्वेश्चन इज इन सेकंड ऑर्डर यूज कॉरोलरी नंबर वन, यूज कॉरोलरी नंबर वन, ठीक है, नोटेड डाउन. Then, noted. उसके बाद क्या लिखना है, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर के नीचे, नॉन होमोजीनियस को पहले करना है कन्वर्ट इंटू होमोजीनियस, कन्वर्ट इंटू होमोजीनियस. कन्वर्ट इंटू होमोजीनियस मीन्स क्या कर रहे हैं हम, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, ये कर रहे हैं ना. फिर क्वेश्चन इज इन फर्स्ट ऑर्डर use corollary 2, question is in second order use corollary number 3. ये अगर याद रखा तो you can easily solve any example out of this theorem, proof of Euler's theorem and corollary number 2 and 3 or mostly 3, corollary 3 का question आता ही है, ठीक है, और Euler's पे question आता ही है. क्लियर, एनी डाउट हियर, कैसे कहां पे कौन सा रिजल्ट यूज करना है? यस बोलो जल्दी. हाँ हुआ मैम. अभी मैं यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स ऐसे लिखने वाली हूँ, आपको मुझे बताना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं एंड यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज करना है, ठीक है. आई एम गोइंग टू राइट यू इज इक्वल टू x square plus y square upon x minus y. Find x dou u by dou x plus y dou u by dou y. Can you tell me, ye solve karne ke liye hum which result will use, corollary 1, 2, 3 or Euler's theorem? Euler's theorem. Got this everyone? Yes, क्योंकि यू कैसे आएगा, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन है ना. यस याद रखो, एवरी अलजेब्रिक फंक्शन इज होमोजीनियस. जब सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन मींस x2 y2 x3 y3 x^4 अपॉन x3, ये इस टाइप का फंक्शन जब भी आएगा वो क्या रहेगा, होमोजीनियस रहेगा. फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन था इसलिए हमने क्या यूज किया, यूलर्स थ्योरम, ठीक है. नाउ आई एम राइटिंग u इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस y अपॉन x प्लस y. फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर डो 2 u बाय डो x स्क्वायर एंड ऑल. आपको पता है अभी आगे क्या है, हाँ बताओ. डिग्री इस फंक्शन की डिग्री क्या आएगी इसकी, वन, जीरो. करें एक्स टी हो जाएगा, वाई टी हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा, वाई टी हो जाएगा, यहाँ से टी टी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी रेस टू व्हाट,
जीरो करेक्ट। अभी सेम क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, जीरो क्यू आई डिग्री। अभी सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट इन अनदर वे, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज सेम। सपोज आई एम राइटिंग साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वेयर, कैन यू टेल मी वेदर दिस इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। अगर क्वेश्चन यही है एक्स स्क्वेयर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वेयर डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेयर, तो कौन सी कॉरोलरी यूज होगी? कॉरोलरी नंबर three. Okay, next. Now if I am writing u is equal to log of x cube plus y square, this and find the value of x do u by do x plus y do u by do y, which corollary I will use? Two. Because this is non-homogeneous function, है ना? यहाँ का t यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे t cube, यहाँ पे t square है, common नहीं निकलता है। ये non-homogeneous, simply non-homogeneous function, and question कौन से order में है? First order में। First order। corollary use कर रही है, corollary number two। Simple topic है ये, ठीक है? Now I am writing this type of the function u is equal to e raised to x by y, e raised to x by y sin x by y, find the value of x square do 2 u by do x square plus 2xy everything. कौन सी correlation? पहले बताओ whether this is a homogeneous or non-homogeneous. Homogeneous. Homogeneous. तो फिर कॉरोलरी नंबर वन कैंसिल, डिग्री आ गई जीरो, टी रेस टू जीरो, सेम यू आ गया और क्वेश्चन है आपका सेकंड ऑर्डर में, इसलिए क्या यूज करना है? कॉरोलरी नंबर वन। एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? ओके यस। कहाँ पे कौन सी कॉरोलरी कैसे यूज होती है? अभी मुझे बताओ, जो होमवर्क के लिए प्रॉब्लम्स दिए थे, ऑल ऑफ यू हैव सॉल्वड ऑल एग्जांपल्स? यस मैम। एवरीवन हैव सॉल्वड, गॉट द आंसर? अभी वहां पे चेक करते हैं आपने कौन सी कॉरोलरी कहाँ पे यूज की। ये था ना पहला, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस x। हाँ, ये एक बात बतानी थी, यू एक्स एक्स का मीनिंग क्या होता है? यू एक्स एक्स में क्वेश्चन है वो, ये देखो यू मीन समटाइम्स ये नोटेशन भी आ सकता है, यू एक्स एक्स में डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेयर, रिमेम्बर दिस। यू वाई वाई में डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेयर, है ना? क्लियर? यू एक्स यू वाई में यू एक्स यू वाई सॉरी यू एक्स वाई में डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई। तो समटाइम्स दीज नोटेशंस में भी यूज, ये भी नोटेशंस वो यूज कर सकते हैं। इसलिए वो जो क्वेश्चन है ना, इसमें बताया है यू एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई यू एक्स वाई। हाँ, यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड कर दो, इट इज वाई स्क्वेयर यू वाई वाई चाहिए, वाई स्क्वेयर। तो इसका मीनिंग है एक्स स्क्वेयर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई प्लस y square do to u by do y square is equal to this. ये homogeneous था क्या function? No ma'am. No. No. इसको homogeneous बनाना है, और question कौन से order में है? Second order. इसलिए corollary number three. Corollary number three. अगर ये homogeneous रहता तो corollary number one. Non homogeneous करके कॉरोलरी नंबर थ्री। सेकंड वाला ये भी नॉन होमोजीनियस है, यू इज इक्वल टू लॉग सेम कॉरोलरी का। कॉरोलरी थ्री के पे स्ट्रेस दिया है बिकॉज ये क्वेश्चन आता ही है कॉरोलरी थ्री का। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने किया था शायद उस दिन, नहीं? ओके, थर्ड क्वेश्चन, इज इट होमोजीनियस फंक्शन? डब्ल्यू तो फिर U plus
v प्लस w में इसको कन्वर्ट करना है yes. प्लस डब्ल्यू से v हो गया, ये w हो गया, बट v कौन सा था? v इज अ होमोजेनियस. क्या है यार, किया क्या आप लोगों ने? यस मैम. ओके, v होमोजेनियस था बट उसको कन्वर्शन नहीं था, है ना? यस यस मैम. v इज अ होमोजेनियस फंक्शन एंड w नॉन होमोजेनियस करके कौन सा रिजल्ट यूज किया? आपका क्वेश्चन है यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स रूट वाई. अगर कंबाइन देखा जाए तो ये क्वेश्चन, ये जो है फंक्शन नॉन होमोजीनियस है ना, बट अगर हम इसको वी प्लस डब्ल्यू के किए हमने, वी इज दिस फर्स्ट फंक्शन, डब्ल्यू इज दिस सेकंड फंक्शन. अगर वी की वैल्यू इसको वन नंबर दे देना है, वी की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. इसमें अगर हम एक्स एक्स टी से वाई वाई टी से रिप्लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर into y square t square divided by x square t square plus y square t square. क्या कॉमन आएगा फ्रॉम न्यूमरेटर? न्यूमरेटर तो ये मल्टीप्लीकेशन में, तो t raised to 4 कैन आई राइट डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? t square, ब्रैकेट में सेम फंक्शन आ जाएगा x square y square upon x square. ये आपको इसीलिए होमवर्क सॉल्व करना है, सबने नहीं किया है मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग. ओके, तो कल की छुट्टी भी मिली, दो दिन मिले आपको, संडे मंडे. टी रेस टू फोर अपॉन टी स्क्वेयर इनटू दिस, अभी यहाँ पे ये कैंसल हो जाता है, सॉरी अभी आपको यहाँ पे कैंसल हो जाता है एंड यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर इनटू वी. ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बोला आपको एफ ऑफ एक्स वाई नहीं लिखना है तो. Therefore, v क्या हो गया? v is a homogeneous function of degree what? Of degree two. What? Two. अभी हमने v को बनाया नहीं homogeneous. वो z is equal to वो नहीं लिया हमने. समझ में आ रहा है ना? जो v दिया था उसी वैल्यू में x t y t लिखा. Conversion means what? Or given function homogeneous and converting into homogeneous का meaning क्या है? इसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे. कन्वर्टिंग मीन्स जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, ऐसा कुछ नहीं किया हमने. क्या किया? डायरेक्ट गिवन फंक्शन में एक्स की वाई टी पुट कर दिया एंड देन व्हाट? वो डायरेक्टली आ गया आपका टी स्क्वायर इंटू वी टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में, एंड इसलिए हम लिख रहे कि वी इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड देयरफॉर कौन सा रिजल्ट यूज होगा? क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर में, अगर दिया हुआ फंक्शन होमोजीनियस है तो यूज व्हाट? व्हाट? यूलर्स थ्योरम. यूलर्स थ्योरम समझ में आया? व्हाई नॉट कोरोलरी टू? कोरोलरी टू कब यूज होता है? जब जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू का फॉर्मेट आता, हम उसको बनाते, कन्वर्ट करते होमोजीनियस में. यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, कन्वर्टिंग इंटू होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? यूलर्स थ्योरम यूज करो. आपको याद है यूलर्स का था? ये एक्स डो यू बाय डो एक्स क्या थी राइट हैंड साइड? यस एनीवन? एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू एन यू एन यू. बट व्हाट इज यूर एन? सॉरी नॉट एन यू, वन मिनट, शैल वी राइट यू एन वी? हम वी के लिए लिख रहे तो वी विल राइट वी एवरीवेयर, इट इज वी एन वी. That's the answer हो गया. What? 2V. 2V में है. 2V. Clear? इसलिए ये combination का एक question दिया कि कहाँ पे Euler's और कहाँ पे corollary. Second W की value क्या थी? Got this everyone? W की value क्या थी? Cos inverse x plus y upon root x plus root y. ये solve नहीं है PDF में, ये homework problem है. इसलिए सबको देखना, एक बार देख लो v को कैसे सॉल्व किया. पहले v प्लस w लिया, ठीक है, फिर v को सॉल्व किया x t y t से,
टी रेस टू फोर अपॉन टी स्क्वेयर आया, टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट का फंक्शन एज इट इज वी ओरिजिनल वैल्यू आई, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, एंड देयरफॉर हमने लिखा कि वी इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में है, यूलर्स यूज किया, बट v के लिए यूलर्स यूज करना है तो x डो v बाय डो x प्लस y डो v बाय डो y इज इक्वल टू एन v, n की वैल्यू पुट कर दी, कीप इट इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। फिर w की वैल्यू लिखनी है, w इज व्हाट cos इनवर्स x प्लस y अपॉन दिस, अभी देखो यहाँ पे x t y t अगर आप पुट करते हो तो ये होमोजीनियस आता है क्या, इज इट होमोजीनियस फंक्शन? नो नो, बिकॉज टी बाहर नहीं आता है, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स टी वाई टी अपॉन रूट एक्स टी रूट वाई टी, है ना। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा, टी, बट कॉस इनवर्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर से रूट टी कैंसिल नहीं होता है, ये ब्रैकेट तो एज इट इज आएगी, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट, तो ये आपका इट इज नॉट इक्वल टू टी रेस टू एन इन टू डब्ल्यू, है ना, बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये पार्ट ये कैंसिल होता तो ये क्या होता, ये टी टी कैंसिल हो जाता है तो फंक्शन डब्ल्यू क्या बन जाता, होमोजेनियस, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन होमोजेनियस फंक्शन, दिस इज नॉट इक्वल टू टी रेस टू एन इन टू डब्ल्यू, देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट डब्ल्यू इज नॉन होमोजेनियस फंक्शन। अभी W नॉन होमोजीनियस है, W को होमोजीनियस बनाना है, W को होमोजीनियस बनाना है, कैन आई राइट W इज इक्वल टू कॉस इनवर्स Z, वेयर Z की वैल्यू क्या है, वो जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, इसको मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया, ये था W, W इज इक्वल टू कॉस इनवर्स Z, z की वैल्यू हो गई x प्लस y अपॉन रूट x प्लस रूट y, therefore z is equal to what, z is equal to cos w is equal to f of w because value w में, इसको अभी हमें होमोजीनियस दिखाना है। अभी z की डिग्री, अभी फिर से tt पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर किया है कैलकुलेशन, क्या है डिग्री z की, यस ऐसे आया था ना t upon x t, ये फिर से 10 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने ऊपर लिख दिया वही डिग्री आएगी ना, cos इनवर्स नहीं आएगा, बाकी सब तो एज इट इज आएगी, क्या है डिग्री, so this is equal to root t upon root t, is it t upon root t common, t upon root t का mean bracket same, t upon root t का meaning क्या है, yes root t 1 by 2 और root t, है ना, t is root t into root t ना, एक root t cancel with this, तो आपको यहाँ इसका meaning क्या है, is it t means root t into root t, एक रूट टी का मीनिंग हो गया टी रेस टू हाफ इंटू डब्ल्यू, सॉरी जेड नॉट डब्ल्यू, जेड की वैल्यू है ना वो, सो व्हाट, जेड की वैल्यू है, सो जेड इज इक्वल टू टी रेस टू हाफ इंटू जेड, ऐसे आ रहा है, देयरफॉर जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री व्हाट, 1/2, समझ में आ रहा है क्या, व्हाट आई एम राइटिंग, यस, जिन्होंने सॉल्व किया है वो लोग चेक करो, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग देखो, यहाँ पे z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट 1/2, बट z की वैल्यू क्या है, व्हाट इज z, क्या था z, cos w ना, f of w, देयरफॉर व्हिच कोरोलरी विल यूज, by corollary 2 because question first order mein, so by corollary 2 x do w by do x plus y do w by z mein nahi likh rahe, remember answer hum w mein likh rahe, z mein nahi, so x do w by do x plus y do w by do y is equal to what, nw,
बट डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1/2, सॉरी एन की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन। अभी वी प्लस डब्ल्यू में नेक्स्ट स्टेप क्या होती है एनीवन? मैडम कोरिलेट दोनों ऑपरेशन है। हां मैडम तुम्हें यूलर्स थ्योरम वापर ले, सॉरी सॉरी यूलर्स थ्योरम ला, कोरिलेरी 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 की राइट हैंड साइड क्या है, एन एफ ऑफ यू है ना, करेक्ट? यस। बट दूसरी जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन एफ डैश डैश ऑफ डब्ल्यू, कोरिलेरी सॉरी कोरिलेरी टू नॉट यूलर्स। सो एन की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 एफ ऑफ डब्ल्यू क्या है, कॉस एफ ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, कॉस डब्ल्यू ना, यस हाँ कॉस डब्ल्यू करेक्ट, एफ ऑफ डब्ल्यू इज कॉस डब्ल्यू अपॉन कॉस डब्ल्यू का डेरिवेटिव एफ डैश डब्ल्यू मीन माइनस साइन डब्ल्यू, साइन डब्ल्यू कॉस बाय साइन मीन कॉट हो जाएगा फिर ये है ना, माइनस 1/2 कॉट डब्ल्यू, इज इट आया था, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। गेटिंग दिस, फर्स्ट इसमें कॉरल, फर्स्ट इसमें यूलर्स बिकॉज वो डायरेक्ट होमोजीनियस फंक्शन था, सेकंड इसमें हमने इसको होमोजीनियस बनाया करके कॉरलरी नंबर 2। अभी क्या करेंगे एनीवन? वी प्लस डब्ल्यू, वी प्लस डब्ल्यू मीन्स इक्वेशन 2 प्लस 3, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी डो वी प्लस डब्ल्यू, डो वी प्लस डब्ल्यू बाय डो एक्स प्लस डो वी प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं, वी प्लस डब्ल्यू डायरेक्ट आप इसको यू भी लिख सकते, डो वाई राइट हैंड साइड क्या थी, 2v प्लस 1/2 डब्ल्यू, ये देखो यहाँ पे लिखा रहे हो फिर से, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड थी, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई, सेम इक्वेशन 3 थी, वी की जगह पे डब्ल्यू अगर ऐड करते हो तो वो हो जाता है वी प्लस डब्ल्यू एंड वी प्लस डब्ल्यू, एंड राइट हैंड साइड हो जाती है 2v प्लस वो 1/2 डब्ल्यू, बट वी प्लस डब्ल्यू हमने क्या कहा है, वी प्लस डब्ल्यू मीन्स क्या है आपका, क्या है आपका यू, तो इसको वी प्लस डब्ल्यू को यू से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, वो विल कंप्लीट दिस ना टुडे, सो व्हाट इज दैट देन, व्हाट इज दैट देन, ये हो जाएगा आपका एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई एंड राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2, वी की वैल्यू जो है वो पुट करो, 1/2 डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो पुट करो, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सो दिस वे यू ट्राई टू सॉल्व द होमवर्क प्रॉब्लम्स, सम स्टूडेंट्स आर रियली सॉल्विंग एंड आस्किंग द डाउट्स ऑल्सो टू मी, एवरीवन शुड डू दिस, एवरीवन एवरीवन ट्राई टू दिस, एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर मॉड्यूल नंबर 1। तो अभी आप गो थ्रू करो पूरे इससे पहले से, वो 2 PDF आई सेंट यू, 2 PDF भेजा था, पहला कंपोजिट का और दूसरा ये होमोजीनियस का है ना, ये पूरा अपना हो गया है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, 1 मिनट अटेंडेंस मार्क नहीं किया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट अवर बेस मॉड्यूल नंबर 2, इसी के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है? हाँ 1 मिनट अगेन, डोंट लीव, आर हैविंग यूर प्रैक्टिकल्स, यूर क्लास टीचर्स टोल्ड यू, आपके ग्रुप पे आया क्या, मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में, नो मैम अभी तक नहीं आया, वेरी गुड वेरी गुड, मैंने मॉर्निंग में ये इंस्ट्रक्शंस डाल दिया है क्लास टीचर को बच्चों को बताने के लिए, जो कुछ कल का मंडे का प्रैक्टिकल शेड्यूल था वो सेम शेड्यूल कल रहेगा, वो सेम शेड्यूल कल रहेगा, ठीक है? तो वो है आपका कल, वो कल है एज इट इज, जो वही टाइम टेबल फॉलो करना है, कल ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं रहेंगे और प्रैक्टिकल शेड्यूल एज इट इज फॉलो होगा, जैसे आज हो रहा है बी एंड डी का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, जिनको एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है जो नहीं आ सकते दैट्स ओके, बट यू आर स्टेइंग हियर बाय
near by here only and you can come. So one day I think easily everyone can manage to come, everyone. बिकॉज जब तक आप खुद आओगे नहीं, परफॉर्म नहीं करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट द नॉलेज. सो बेटर वे टू कम. मैकेनिक्स बी डब्ल्यू वैसे भी आपको एग्जाम है वाइवा ओरल, तो जब तक खुद के हाथ में एपरेटस नहीं देखोगे हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस, है ना? तो ट्राई करो आने का सब लोग. सैनिटाइजर लेके और प्रॉपरली टिप अपना लंच करके ये निकलना है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच एट ए टाइम. रिसेस नहीं दिया है बीच में, पता है ना? हाँ, वही टाइम टेबल फॉलो करना है. मैं डाल देती हूँ अभी आपके ग्रुप में, मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में ही दिया है डालने के लिए. तो अपना ही ट्रांसपोर्ट अरेंज करके प्रॉपरली आना है एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ. ठीक है, एनी डाउट है किसी को पूछना है प्रैक्टिकल के बारे में? ओके, शैल वी स्टॉप देन? यस मैम. ओके, थैंक यू.